खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां लखनादौन तहसील के संकुल परासिया के 5 बच्चों का भविष्य अधर में है। एक तरफ शासन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एक शिक्षक ने अपनी लापरवाही से 5 बच्चों के भविष्य में ग्रहण लगा दिया है। यह पूरा मामला लखनादौन के एकलव्य स्कूल का बताया जा रहा है, जहां बच्चे प्रवेश परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षक द्वारा छात्रों का परीक्षा फॉर्म ना भरने का लापरवाही का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है। वही अभिभावकों ने लापरवाह शिक्षक को निलंबित करने की मांग भी की है। सर, अब इनका एडमिशन कार्ड नहीं है इनके पास, और यहाँ नाम ढूंढ रहे हैं तो नाम भी नहीं है इनका। मेरे तरफ से मैंने सिवनी पता किया, जहाँ से भी हो वो सर का पता किया कि कहाँ के सर हैं, कौन है, जन शिक्षक से पता किया कि भाई ये बच्चे के प्रवेश पत्र कहाँ है, वो तो सब बताने में वहाँ से मिला, वो ढूंढ रहे हैं अभी सर। बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए एकलव्य के लिए प्रवेश पत्र न मिलने के कारण स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इससे कहा नहीं, अभी माँ साहब ने बोला कि वहीं दे देंगे प्रवेश पत्र, चलो सभी कहाँ पे लखनऊ के दे देंगे प्रवेश पत्र, बोले निकलवा के अभी आपको परीक्षा में बच्चे को मिल जाएंगे। यहाँ आए माँ साहब से कुछ देर बात हुई, वो बंद लाइन बंद बोल रहे थे, जो भी बंद बोल इसके बाद मोबाइल माँ साहब को स्विच ऑफ आने लगा, अभी तक नहीं मिली। सभी उत्कृष्ट भी गए यहाँ करना, आश्रम भी कहीं नहीं मिला किसी का। तो जैसा कि हमने बताया, लखनादौन तहसील के संकुल परासिया के 5 बच्चों का भविष्य अधर में है। एक तरफ शासन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एक शिक्षक ने अपनी लापरवाही से 5 बच्चों के भविष्य में ग्रहण लगा दिया है। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ब्रजेश शर्मा जी। जी ब्रजेश जी, तो सबसे पहले हम आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, जो कि लखनादौन के एकलव्य स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पूरा मामला क्या है? आप हमें सुन सकते हैं ब्रजेश जी? तो जैसा कि बताया है हमने आपको, शिक्षक द्वारा छात्रों का परीक्षा फॉर्म ना भरने की लापरवाही सामने आई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें अभिभावकों ने नाराजगी भी जाहिर की है। बता दें आपको, अभिभावकों ने लापरवाह शिक्षक को निलंबित करने की भी मांग की है। जी ब्रजेश जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, जो लखनादौन के एकलव्य स्कूल में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी मुस्कान जी, मैं कह रहा चाह रहा, ये सिवनी जिले की तहसील लखनादौन का ये पूरा मामला है जी, संकुल केंद्र परासिया का, जहाँ के बच्चे सुबह से ही परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे जी। दोनों स्कूलों में वो भटकते रहे, लेकिन उनको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया जी। वहाँ के टीचर से बात करे तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया जी। शिक्षा अधिकारी यहाँ की जो प्राचार्य हैं जानकी दुर्वे जी से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा यह बात तो गलत है जी। और उनके परिजनों ने भी शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया कि सुबह से ही बच्चों को तैयार करा दिए गए, बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पर दर बदर भटकते रहे जी। और उन्हें आखिरी में प्रवेश भी नहीं मिला और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये स्कूल की शिक्षा स्तर पर हम सवाल उठा सकते हैं कि शिक्षा स्तर कैसा है स्कूल का? जी बिल्कुल जहाँ एक तरफ शासन प्रशासन शिक्षा को लेकर बेहतर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है जी, वहीं शिक्षकों की ऐसी लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाता है जी। ये बच्चे सुबह से ही भटक रहे हैं परीक्षा देने के लिए भूखे प्यासे, लेकिन इनको परीक्षा के लिए ना तो प्रवेश पत्र दिया गया, ना उन्हें बैठाने के लिए कोई व्यवस्था दी गई जी। तो इसमें अभिभावकों का क्या कहना है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये उनके अभिभावकों से हमने पूछा था, बात किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको तो प्राचार्य ने बोल दिया था कि आप अपने बच्चों को लेकर आप सेंटर चले जाइए
परीक्षा सेंटर जब पहुंचे हैं तो दोनों ही सेंटरों में उनका नाम नहीं है जी। और आखिरी में जब वो परेशान हुए तो वहाँ हमारे साथी कोई कुछ लोग गए, उनसे उन्होंने बताया अभिभावकों ने कि ऐसी ये लापरवाही है शिक्षकों की, और शिक्षक से जब हमने बात की है तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में तो हमको एक ही आता है कि हम इनके खिलाफ थाने में जाके शिकायत कराएंगे। तो इसमें प्रचार का कोई बयान सामने आया है? जी, वहाँ सेंटर में जानकी दुर्वे जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि अब देखिए यहाँ तो नाम इनका है ही नहीं, अगर नाम होता तो कोई बात ही, जब इसके अलावा उन्होंने अपना सब पल्ला झाड़ लिए हैं। जी जी, बाकी अधिकारी से ज्यादा पहले भी कोई ऐसा मामला सामने आया है या पहला मामला है? जी ये पूछ रही हूँ कि यह पहला ऐसा मामला है विद्यालय में कि और भी ऐसे मामले आए हैं इस विद्यालय के जहाँ बच्चों के परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही की गई है? नहीं, ऐसा मामला तो अभी फिलहाल पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है जहाँ की सिवनी जिले का एकमात्र ये स्कूल ऐसा है एकलव्य जो कि यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए वहाँ पर सुरक्षित है खाने पीने के लिए और छात्रावास रहने के लिए। जी, तो विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद ब्रजेश जी। तो जैसा कि हमने बताया यह पूरा मामला लखनादौन के एकलव्य स्कूल का बताया जा रहा है जहां बच्चे प्रवेश परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए हैं। आपको बता दें शिक्षक द्वारा छात्रों का परीक्षा फॉर्म ना भरने की लापरवाही सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों ने भी नाराजगी जाहिर की है, वहीं अभिभावकों ने लापरवाह शिक्षक को निलंबित करने की मांग भी की है।